हम लोग स्टडी करेंगे शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और आपके इंटरनल एग्जाम्स के लिए। तो इस टॉपिक को कवर करने के लिए हम लोग स्टडी करेंगे शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट क्या होता है इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर, शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए क्या प्रोसीजर है, ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए क्या प्रोसीजर है, फिर इन टेस्ट को परफॉर्म करके कौन कौन सी वैल्यूज फाइंड आउट की जाती हैं। तो यहाँ कंटेंट में मैंने एक ट्रांसफार्मर की ब्लॉक डायग्राम को शो किया हुआ है। तो यहाँ से प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज लिखा हुआ है। तो सिंपली इसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जिस साइड से हम सप्लाई देते हैं उसको हम प्राइमरी साइड बोलते हैं और जिस साइड हम लोड कनेक्ट करते हैं वो आपका सेकेंडरी साइड होता है। शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट इज नथिंग, इट इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट दैट अलाउज अ करंट टू ट्रेवल अलोंग एन अनइंटेंडेड पाथ ऑफन वेयर इसेंशियली नो इलेक्ट्रिकल इंपेडेंस इज इनकाउंटर्ड। तो शॉर्ट सर्किट उस कंडीशन को हम कहते हैं जहां पे दो सर्किट के बीच में करंट बिना इंटरप्शन के फ्लो होता है, यानी कोई भी रेजिस्टेंस उस सर्किट में ना हो। तो इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर अगर हमें शॉर्ट सर्किट करना है तो उसके लिए क्या करते हैं कि दो टर्मिनल्स को हम एक सिंपल वायर लेकर के शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, यानी दो टर्मिनल्स को हम इक्विपोटेंशियल कर देते हैं। तो जिससे हमारा क्या होता है कि उस केस में रेजिस्टेंस वायर का बहुत ही नेग्लिजिबल होता है जो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन को फुलफिल करता है। फिर आपको आता है ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज एन ओपन सर्किट इफ इट लैक्स अ कंप्लीट पाथ बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ इट्स पावर सोर्स, इन अदर वर्ड्स इफ नो ट्रू सर्किट करंटली एग्जिस्ट बिकॉज फॉर इंस्टेंस अ पावर स्विच इज टर्न ऑफ। तो ओपन सर्किट आपका वो कंडीशन होता है किसी भी सर्किट में जब करंट किसी भी पाथ पे अगर करंट फ्लो होना बंद हो जाए तो उस कंडीशन को हम ओपन सर्किट बोलते हैं। तो इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर ओपन सर्किट को हम नो लोड टेस्ट भी कहते हैं, यानी सेकेंडरी साइड जहां पे हमने लोड कनेक्ट करना होता है वहां पे हम लोड कनेक्ट नहीं करते हैं ओपन सर्किट के केस में, ठीक है। और ओपन सर्किट के केस में जो सर्किट आपका ओपन रहता है उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही हाई रहती है। आइडियल केस में हम उस वैल्यू को इनफाइनाइट वैल्यू कंसीडर करके चलते हैं। ये आपका ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर है। उसके लिए सर्किट डायग्राम्स है, हाई वोल्टेज साइड लो वोल्टेज साइड। ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हम हाई वोल्टेज साइड को ओपन सर्किट रखते हैं, लो वोल्टेज साइड में आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको कनेक्ट करते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हम क्या मेजर करना चाहते हैं, करंट, पावर और वोल्टेज। ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर है जो हमने सिंगल वाइंडिंग से शो किया है। उसके बाद आपका वोल्टमीटर कनेक्टेड है, फिर वाटमीटर कनेक्टेड है, फिर अमीटर कनेक्टेड है। ये सर्किट डायग्राम आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए है। आगे हम इसको डिटेल में अभी पढ़ेंगे, एक सिंपल ओवरव्यू दे रहा हूं मैं। इसमें भी आपका जो शॉर्ट सर्किट करेंगे हम, यानी दो टर्मिनल्स को एक वायर के साथ शॉर्ट करेंगे, वो आपका लो वोल्टेज साइड होगा, ठीक है। अब आते हैं कि क्वेश्चन की व्हाट इज द नीड ऑफ शॉर्ट सर्किट टेस्ट एंड ओपन सर्किट टेस्ट। उसके पहले इन टेस्ट का नाम जानने से पहले हम सिंपल एक टेस्ट वर्ड को जो हम किसी भी इक्विपमेंट या किसी भी कंपोनेंट का टेस्ट करना चाहते हैं या हम क्यों करते हैं टेस्ट, उसके पीछे हमारा क्या रीजन होता है, क्या पर्पस होता है जिसे हम टेस्ट करना चाहते हैं। तो एक सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हो, हम मार्केट में लॉन्च करने से पहले हम उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ वैल्यूज होते हैं जिनको डिफाइन करके ही मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो ट्रांसफार्मर के केस में क्या है कि आपकी वैल्यूज और पैरामीटर्स, इफिशेंसी हो गया, वोल्टेज रेगुलेशन हो गया,
उसके इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हो गया। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, कोर मटेरियल का रेजिस्टेंस, फिर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी साइड, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी साइड, ये सारी। फिर उसके बाद आपका ट्रांसफार्मर नो लोड की कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज क्या रहेगा, और उस पर जब लोड कनेक्टेड होगा तो उस सिचुएशन में आपका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, ये सारी पैरामीटर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है आपका, ओपन सर्किट टेस्ट है। बेसिकली अगर हमें इफिशियंसी फाइंड आउट करना है ट्रांसफार्मर का, तो हमें पता है कि ट्रांसफार्मर में दो तरीके के लॉसेस होते हैं, कॉपर लॉस एंड कोर लॉस, ठीक है। तो इन दोनों लॉसेस को भी हमें फाइंड आउट करना है ट्रांसफार्मर में से। अब क्या है कि अगर हम इन ट्रांसफार्मर को प्रैक्टिकल के बजाय अगर हम इसे इम्प्लीमेंट करके अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो उस केस में क्या होगा कि बहुत ज्यादा पावर लॉस हो जाता है। तो उसको ध्यान करके भी हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो जो इसमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, शॉर्ट सर्किट में मैंने बताया कि आपका मैक्सिमम करंट फ्लो होता है, तो ओपन सर्किट में आपका जीरो करंट फ्लो होता है। तो कॉपर लॉस का दूसरा नाम ही आई स्क्वायर आर लॉस है, यानी करंट जब एग्जिस्ट करेगा तभी वो लॉस एग्जिस्ट करेगा। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आपका क्या है, करंट है, तो करंट डिपेंड ऑन कॉपर लॉस। तो इसलिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट की हेल्प से हम कॉपर लॉस को फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद ओपन सर्किट टेस्ट की हेल्प से हम कोर लॉस या आयरन लॉस को फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए लॉसेस का आइडिया होना बहुत ही नेसेसरी है। तो यहां पे आपका आंसर है कि दीज टू टेस्ट आर परफॉर्म्ड ऑन ए ट्रांसफार्मर टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। द पावर रिक्वायर्ड फॉर दीज ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू द पावर लॉस अकरिंग इन द ट्रांसफार्मर। Now we will study in detail open circuit test. Open circuit test मैंने आपको बताया कि high voltage side को open circuit करते हैं और low voltage side में हम अपने measuring instrument connect करते हैं। Measuring instrument में क्या होगा, voltmeter to measure the voltage, wattmeter to measure the power and ammeter to measure the current. अब बात आती है कि open circuit test हम जब perform करते हैं तो हम high voltage side को ही open क्यों करते हैं, लो वोल्टेज साइड को भी तो ओपन कर सकते हैं। उसमें एक कंस्टेंट आ जाता है कि क्यों हाई वोल्टेज साइड को ही हम ओपन कर रहे हैं। कंस्टेंट ये है कि अगर हम हाई वोल्टेज साइड में अपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करें और लो वोल्टेज साइड में को शॉर्ट करें, ओपन करें, तो उस केस में क्या होगा कि हमें हाई रेटिंग्स की मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करने पड़ेंगे। अब जो आपके जनरेटिंग ट्रांसफार्मर हैं, जो आपके ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर हैं, उनकी रेटिंग बहुत ज्यादा होती है, 400 किलोवोल्ट, 220 किलोवोल्ट। तो इतनी रेटिंग का वोल्ट मीटर मैन्युफैक्चर कर पाना बहुत ही टफ है, और टफ क्या हम ये कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए हमारे पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है उसी की हेल्प से हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो इसीलिए हम हाई वोल्टेज साइड को ओपन रखते हैं और लो वोल्टेज साइड में हम अपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब ये बात आती है कि हम टेस्ट जब परफॉर्म करेंगे तो ऑटो ट्रांसफार्मर से वेरिएबल सप्लाई देते हैं। हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते टाइम केवल और केवल इस चीज का ध्यान रखते हैं कि हम ऑटो ट्रांसफार्मर से जब वेरिएबल वोल्टेज अप्लाई करते हैं ट्रांसफार्मर पे, तो हम वोल्टमीटर की रीडिंग को देखते रहते हैं। जैसे ही हमें रेटेड इनपुट वोल्टेज, यानी जो आपका प्राइम लो वोल्टेज साइड का जो रेटिंग है ट्रांसफार्मर का, जैसे ही उस वोल्टेज को गेन करता है उसी को रेटेड वोल्टेज बोलते हैं, उसी टाइम पे हम ऑटो ट्रांसफार्मर को वेरी करना बंद कर देते हैं और उस इंस्टेंट पे हम क्या करते हैं, रीडिंग नोट कर लेते हैं। तीनों जो आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, इन तीनों की रीडिंग को रिकॉर्ड कर लेंगे। तो आपका आएगा वोल्टमीटर जो है आपका वोल्टेज दे देगा, वॉट मीटर आपको पावर की रेटिंग दे देगा, और एमीटर आपको करंट की रेटिंग दे देगा, ठीक है। अब आपका जो एमीटर रीडिंग है वो नो लोड करंट को दे रहा है,
ठीक है, जो एमिटर में हमें करंट मिला। तो देन एज नो लोड करंट आई इज क्वाइट स्मॉल कंपेयर टू रेटेड करंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, द वोल्टेज ड्रॉप्स ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक करंट कैन बी टेकन एज नेग्लिजिबल। सिंस वोल्टमीटर रीडिंग वी कैन बी कंसीडर्ड इक्वल टू सेकेंडरी इंड्यूस्ड वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, द इनपुट पावर ड्यूरिंग टेस्ट इज इंडिकेटेड बाय वाटमीटर। अब जैसे क्या है कि आपका जो लॉस मिल रहा है, जो ट्रांसफॉर्मर वाटमीटर आपको जो पावर मेजर करके दे रहा है, तो मैंने बताया था कि आपको ओपन सर्किट टेस्ट में हमें कोर लॉसेस मिलते हैं। अब वाटमीटर हमने एक सिंगल वाटमीटर यूज किया है, तो उसमें जो भी पावर है वो दोनों ही लॉस होंगे, लेकिन हम केवल कोर लॉस को ही क्यों कंसिडर करते हैं, क्योंकि नो लोड ओपन सर्किट टेस्ट का मतलब हुआ नो लोड। तो नो लोड में आपको क्या है कि करंट सेकेंडरी साइड मिलेगा ही नहीं, तो वाइंडिंग में करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है, या एक तरह से कह सकते हैं कि रेटेड वैल्यू का बहुत ही कम। तो ट्रांसफार्मर के केस में जो नो लोड करंट होता है वो 2-5% ऑफ द रेटेड करंट होता है। तो 2-5% रेटेड करंट का अगर हम पावर लॉस निकाल लेंगे तो वो कोर लॉस से बहुत ही समझ लो कि माइनूट सी वैल्यू आती है, जिसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसीलिए हम केवल और केवल जो वाटमीटर ओपन सर्किट के केस में जो रीडिंग दे रहा है वो टोटल का टोटल आपका कोर लॉस हो जाता है, ठीक है। और अब इसमें आपका कैलकुलेशन है कि हमें क्या है कि इक्विवेलेंट सर्किट में हमने पढ़ा है कि मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है, जिनको हम संट कंपोनेंट बोलते हैं। तो संट कंपोनेंट में आपका आर नॉट होता है या आर एम होता है और एक्स एम होता है, उसको फाइंड आउट करना है। तो हमें इनपुट में तीन रीडिंग इसमें मिलेगा, वोल्टेज का, करंट का और पावर का। तो पी नॉट इक्वल टू वी वन स्क्वायर बाई आर एम हो सकता है। तो वहां से आर एम इज द संट ब्रांच रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर। तो आर एम यहां से फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास पी नॉट रीडिंग से हमने नोट कर लिया है, वी वन हमने रीडिंग से नोट कर लिया है, आर एम फाइंड आउट हो जाएगा। इसकी हेल्प से हम जेड एम इक्वल टू भी वोल्टेज बाई करंट करके निकाल सकते हैं, और उसकी हेल्प से हम XM फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा जो संट ब्रांच पैरामीटर्स है वो फाइंड आउट हो जाएगा। अब क्या है कि ये सारी वैल्यू रिफर टू क्या है, LV साइड ट्रांसफार्मर है, क्योंकि हमने जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट किया वो LV साइड किया। तो दीज वैल्यूज आर रिफर टू द LV साइड ऑफ ट्रांसफार्मर एज बिकॉज द टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन LV साइड ऑफ ट्रांसफार्मर। दीज वैल्यूज could easily be referred to high voltage side by multiplying these values with square of transformation ratio. तो अगर हमें high voltage side में इन values को find out करना, तो simply हम क्या कर देंगे, square of transformation ratio से multiply करके हम high voltage side में भी इसको find out कर सकते हैं। तो therefore it is seen that the open circuit test on transformer is used to determine core losses in transformer and parameters of shunt branch of the equivalent circuit of transformer. और आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स रह गया पावर फैक्टर। तो नो लोड पावर फैक्टर की वैल्यू सिंपली जो आपका पावर आया, उसके बाद जो आपका वोल्टेज आया, जो आपका करंट आया। तो जैसे पावर जो आया आपका वो रियल पावर, ठीक है, तो रियल पावर इक्वल टू आपका होता है वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा आपका रियल पावर अपॉन वोल्टेज इंटू करंट। तो यहां से हम पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। तो मैं आपको मतलब एक आइडिया दे देता हूं कि ओपन सर्किट के केस में पावर फैक्टर कितना आता है। तो ओपन सर्किट के केस में पावर फैक्टर आपका बहुत ही कम आता है, ठीक है, और इसकी वैल्यू प्रैक्टिकली 0.2 के आसपास रहती है, यानी 0.2 पावर फैक्टर आपका नो लोड के केस में आता है या ओपन सर्किट के केस में आता है। और एक और नॉलेज की बात बता देता हूं कि आपका वाट मीटर दो तरीके का होता है, लो पावर फैक्टर वाट मीटर और हाई पावर फैक्टर वाट मीटर। तो इस केस में जो हम पावर वाट मीटर यूज करते हैं वो लो पावर फैक्टर वाट मीटर यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए भी हम सेम प्रोसीजर करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है उसमें। इसमें क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट के केस में हम लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट सर्किट करते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि आपका शॉर्ट सर्किट करते टाइम वोल्टेज बहुत ही डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट सर्किट करते हैं, हाई वोल्टेज साइड हम अपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में होगा वोल्ट मीटर, वॉट मीटर और अमीटर, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट के केस में हमें क्या मिलेगा, कौन सा लॉस मिलेगा आपका, कॉपर लॉस, ठीक है। तो कॉपर लॉस आपका डिपेंड करता है करंट पे। तो
तो अब इस टेस्ट को परफॉर्म करने का क्या प्रोसीजर्स होंगे? तो इसमें भी क्या है कि लो वोल्टेज साइड को हमने क्या किया, दोनों टर्मिनल्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया और हाई वोल्टेज साइड में हमने अमीटर, वोल्ट मीटर और वोट मीटर को कनेक्ट कर दिया। अमीटर सीरीज में होगा, वोट मीटर भी सीरीज में होगा और उसके बाद वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में होगा। इसमें क्या है कि ऑटो ट्रांसफार्मर से हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हुए हम अमीटर को यहाँ पे नोट करेंगे, अमीटर को देखते रहेंगे। तो अमीटर का जैसे ही करंट रेटेड करंट को गेन कर लेता, वैसे ही ऑटो ट्रांसफार्मर को हम क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं उसको वेरी करना। तो यानी ओपन सर्किट के केस में हम वैल्यू किसका देख रहे हैं, तो वोल्ट मीटर का, और वेरी करते थे कहां तक, रेटेड वोल्टेज तक, और इस केस में क्या करेंगे, रेटेड करंट तक। तो जैसे ही रेटेड करंट हमें मिल जाएगा, हम तुरंत ही स्टॉप करके हम सारे रीडिंग नोट कर लेंगे। सारे में क्या होगा, वोल्ट मीटर का रीडिंग, वोल्ट मीटर का रीडिंग और अमीटर का रीडिंग। तो इसमें जो वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूं कि ये मैक्सिमम 10-15% ऑफ रेटेड वैल्यू पे ही हमें रेटेड करंट मिल जाता है। द वोल्टेज एट रेटेड फ्रीक्वेंसी इज अप्लाइड टू दैट एचवी साइड विद द हेल्प ऑफ अ वेरिएक और वेरिएबल रेशियो ऑटो ट्रांसफार्मर। The LV side of transformer is short-circuited. Now with the help of variac, applied voltage is slowly increase until the ammeter gives reading equal to the rated current of high voltage side. ठीक है, अब हमने रीडिंग नोट कर लिया, तो जो भी इसमें भी कैलकुलेशन करेंगे वही, हमने तो शंट पैरामीटर्स निकाल लिए, अब सीरीज पैरामीटर्स ऑफ द इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट करेंगे। तो इस केस में भी अब जैसे जो वाटमीटर आपका है वो भी दोनों मतलब टोटल पावर देगा, क्योंकि मैंने बताया कि इसमें जो भी वॉट मीटर में रीडिंग आएगी वो लॉसेस की होगी। तो ओपन सर्किट के केस में जो आपका वॉट मीटर की रीडिंग थी उसको हमने कोर लॉस कंसीडर कर लिया, तो इसमें जो आपका वॉट मीटर की रीडिंग आती है उसको हम कॉपर लॉस कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका कोर लॉस है वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है, 10-15% ऑफ द रेटेड वैल्यू, तो इसीलिए वो भी क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। तो इसलिए टोटल पावर को हम क्या है, कॉपर लॉस कंसीडर करके अपने पैरामीटर्स को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इस केस में जैसे आपका, अगर हमने अज्यूम कर लिया कि आपका करंट आएगा तो वो करंट आपका रेटेड करंट होगा, जो आपका पावर आया है वो आपका कॉपर लॉस है, तो वहां से R equivalent रिफर टू हाई वोल्टेज साइड हमें फाइंड आउट हो जाएगा। फिर Z equivalent टू हो जाएगा आपका वोल्टेज बाई करंट, फिर उसके बाद एक्स इक्वेलेंट हम निकाल लेंगे ZD स्क्वायर माइनस R स्क्वायर से। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू जो है आपकी वो किधर है, हाई वोल्टेज साइड की है इक्वेलेंट वैल्यू। तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं लो वोल्टेज साइड का भी बाय डिवाइडिंग द स्क्वायर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। देयरफॉर इट इज सीन दैट द शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू डिटरमाइन कॉपर लॉस इन ट्रांसफार्मर एट फुल लोड एंड पैरामीटर्स ऑफ अप्रोक्सीमेट इक्वेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। पावर फैक्टर इस केस में भी आपका उसी तरीके से निकल जाएगा कि जो पावर आया उसको वोल्टेज और करंट के मल्टीप्लीकेशन से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो पावर फैक्टर इस केस में आपका हाई वैल्यू आता है, नियर टू 0.9 के आसपास आता है प्रैक्टिकली। ठीक है, तो इसमें मैं कंक्लूड कर देता हूं कि ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर इज यूज टू डिटरमाइन कोर लॉसेस इन ट्रांसफार्मर एंड पैरामीटर्स ऑफ शंट ब्रांच ऑफ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। And the short circuit test on transformer is used to determine copper loss in transformer at full load and parameters of approximate equivalent circuit of transformer. एक और conclusion में बता देता हूं कि यहां से मैंने आपको बताया कि जो core loss था वो आपका voltage पे depend कर रहा था और जो copper loss था वो आपका current पे depend कर रहा था। तो एक बहुत normal सा question पूछा जाता है एग्जाम्स में भी और इंटरव्यू में भी कि व्हाई द रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज इन केवीए, ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमेशा केवीए में क्यों होती है, किलोवाट या वॉट में क्यों नहीं होता है। तो उसके दो रीजन है, पहला ये कि जो इसके लॉसेस पैरामीटर्स हैं, जो इसके लॉसेस हैं यानी कॉपर लॉस और कोर लॉस, दे डिपेंड ओनली ऑन द वोल्टेज एंड करंट। That's why we give the rating of transformer in VA, KVA or MVA. And the second reason is कि transformer is just a electrical component
which transfer the power from source to load. This is not a load. Okay, we can connect any type of load or any value, a power factor value of load to the transformer. So the rating of transformer is always in VA or KVA or MVA. Thank you.